मैंने देखा है, जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या भैया, आपका नाम क्या है? निखिल तमाम, मेरा नाम गोविंद ब्यान है। गोविंद ब्यान, आपने बोला गुबाकरा आप भाषण देगा, मीठा मीठा बात बोलेगा, कब तक मीठा मीठा बात सुनोगे? हमारा भूलो, सच सुनना पड़ता है कभी कभी। यू नो आई लव माय रियांग पीपल, आई लव माय ग्रुप पीपल, मैं अपना रियांग अपना ग्रुप को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि अपना ग्रुप लीडर्स डोंट लव आवर रियांग। मैं आपके लिए फाइट किया, मेरे मुख्यमंत्री जी उस समय बिप्लब देव जी थे, उन्होंने फाइट किया। आज आपका जो वोटिंग राइट्स है ना, जो 20 साल तक आपके पास नहीं था, जैसे मिजोरम ने आपको ट्रीट किया, आज कितना लोगों ने 2019 में इनके खिलाफ बात किया, मेरे खिलाफ बात किया, कितने लोगों ने त्रिपुरा में ब्रू को जगह नहीं देने के लिए हमारा विरोध किया, विद्रोही किया, लेकिन आज ये लोग मीठा मीठा बात बोल रहे हैं आपको, और आप लोग भूल जा रहा है कि आपका खराब टाइम में कौन आपके साथ फाइट कर रहा था, कौन आपको हेल्प कर रहा। अपना ब्रू लोग को डिवाइड करने के लिए ये लोग राजनीति कर, कोई भाषा के नाम में, कोई धर्म के नाम में, लेकिन सच बात है आपका गुबाकरा, आई वॉन्ट यू टू स्पीक काउ ग्रुप, यहां में मेरा सीएम है, मैं चाहता हूं कि आप काउ ग्रुप बोले, किसी को चकमा में बोलना है बोलने दीजिए, किसी को कॉकवर्क में बोलना है बोलने दीजिए, किसी को मॉक में बोलना है बोलने दीजिए, किसी को बांग्ला में बोलना है बोलने दीजिए, किसी को काउग्रू में बोलना है, गुबाकरा क्यों आप हो? उसे दो तीन लीडर्स हैं, मेरे पार्टी में भी है, बीजेपी में भी है, जो लोग का दिल छोटा है, चिकन है, लेकिन आपका गुबाकरा तो हमेशा आपके साथ। आप लोग भूल गया 2019 में, यही में जब आपका राशन बंद किया गया था, आपको राशन नहीं मिल रहा था, 4 महीने का बच्चा मर गया था, आप लोग यहां में रोड ब्लॉकिंग कर रहा था, कौन आया आपको हेल्प करने के लिए, किसने आपको हेल्प किया? मैं आया, मुझे धमकी दिया गया, किसी ने मुकुटहीन राजा बोला, किसी ने बोला आपका गला काट देगा, लेकिन तभी भी मैं अपना ब्रू का साथ मैं खड़ा रहा, मुझे गाली सुनना पड़ा, तभी भी मैं आपके साथ, मैंने आपके लिए कही। उस समय मैं अमित शाह जी से मिला, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने बोला कि हमारा ब्रू को त्रिपुरा में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कीजिए मेरे सामने, मेरे सामने। उन्होंने उस समय हमारा मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी था, फोन किया, बोला ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए, और इन्होंने मेरे सामने बोला हां रहना चाहिए। आज सब लोग बोलेंगे, और मैं डायरेक्ट बात बोलूंगा, आप लोगों को खराब लगे तो खराब लगे, ये बंगाली है, ये प्यार नहीं करता। अरे आपको किसी ने हेल्प किया? बाजुबान रियांग 7 बार एमपी था, 1 बार भी पार्लियामेंट में आपके लिए बात नहीं किया, ये माथा से हटा दो। एक अच्छा इंसान ही अच्छा इंसान को हेल्प करता है। जब आपका राशन नहीं था, ये विश्व के दो देपरमा पूर्णो जमतिया एमपी से, किल्ला से, सिमला से एक एक ट्रक लेके भाग लेके यहां में आया, हॉलीवुड चकमा
परमाणु से चकमा है। 20 क्विंटल चावल लेके आया आपको यहां में दिया। अपना जोयचुंग हालाम कम्युनिटी है, चोरई लोग है, वो लोग चीनी दाल लेकर आकर आपको देंगे क्योंकि आपके पास खाने के लिए कुछ। टाकर चला जम्पुई चला सापुरुम से त्रिपुरा लोग आपके लिए कुछ लेकर आया। थानसा हुआ इसके लिए हम लोगों को कुछ मिला। थानसा नहीं मिलेगा कुछ नहीं। बाजुबन रियांग 7 बार एमपी था, क्यों नहीं अपना गुरु के लिए बात किया। जितेंद्र बाबू एमपी था, क्यों नहीं अपना गुरु के लिए बात किया। मैंने देखा है अपना गुरु को। आप गणतंत्र दिवस में जाइए, आप अंबासा में जाइए, आप जाओ हल छड़ा में, भगीरथ में, कंचनपुर में, मैंने देखा है कि अपना गुरु लोगों ने, मुख्यमंत्री जी उस समय आप होंगे, मैंने अपने आंखों से देखा है सीपीएम के रूल के टाइम ये लोग अगरतला आते थे, हमारा गुरु लोग, और बहुत मां बाप लोग मेरे पास खाने के लिए 500 रुपए ली, 1000 रुपए ली, 2 महीने का बच्चा को, राजमाता मेरा बच्चा को आप रख लो, हम इनको खाना नहीं दे सकता है, हमको 1000 रुपए दे। 1000 रुपए के लिए अपना माँ अपना बाप अपना बच्चा को कुछ दे नहीं सकता था, इसके लिए बोला राजमाता महारानी आप रख लो, हम लोग अपना बच्चा को कुछ नहीं दे सकते। 1000 रुपए 500 रुपए किसके टाइम सीपीएम के टाइम। आज अगर आपको वही सीपीएम को वोट करना है करो प्लीज, 26 तारीख को जाके सीपीएम को वोट करो, उसके बाद मत कंप्लेन करना कि हमको किसने इतना गरीब बना के रखा था इतना साल तक। ये डिसीजन बुबाग्रा आपके लिए नहीं कर रहा है, आपको खुद डिसाइड करना है आपका दुश्मन कौन है और आपसे प्यार कौन करता है, आप लोग डिसाइड कीजिए। यहां में इतना बच्चा लोग है, आपको कितना कष्ट मिला है, आपको अधिकार नहीं मिला, अधिकार के लिए फाइट मैंने किया है, हमने किया, आपने रेगा का काम किया, आपका मां बाप ने रेगा का काम किया, आप चाहता है कि आपका बच्चा लोग भी रेगा करे। डू यू वॉन्ट योर चिल्ड्रेन टू बी वर्किंग एज मजदूर, या आप चाहता है कि आपके बच्चे के हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये कल ऑफिसर बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इनका खुद का एक भविष्य, कि आप चाहता है कि आपका बच्चा भी कल गुलामी करे। बुबाग्रा आपका बच्चा के लिए, आपका बच्चा का भविष्य को कुछ देने के लिए आज फाइट कर रहा है। हमको मुकुटहीन राजा बोला जाता, हमको गाली बक जाता है, तभी भी आपके लिए फाइट करता हूं। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं क्या, आपका लीडर लोग न्यूयॉर्क में आता है, राजबाड़ी में आता है, बोलता है कि हमको पैसा चाहिए, हमारा गुरु लोग गरीब है, मैं अपना पॉकेट से 50,000 1,00,000 देता हूं, अपना खुद का पैसा देता हूं। बाद में खबर मिलता है आपको 1,00,000 रुपया दिया, आपको 5,000 रुपया मिला, 95,000 रुपीज लीडर खा गया। तो मैं करूं क्या, अगर आपका ही लीडर आपको गरीब रख रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के अपना गुरु लोगों को बोलना चाहता हूं, आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप भी एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक दूसरे को दबाकर आप कभी भी नहीं उठ पाएंगे। आपके अंदर यूनिटी नहीं है, सीपीएम ने आपको गरीब रखा है। आज अगर किसी का खंसा तोड़ना है ना, उसको गरीब रखो,
₹100 में भी आप एक दूसरे को लड़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप गरीब हैं आपका खानसा नहीं होगा। मैंने ₹1,000 दिया, आपको ₹500 मिलता है। अरे लीडर लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, पैसा बनाना है बनाओ। ₹1,00,000 दिया, ₹10,000 रखो, ₹90,000 तो अपना लोगों को दो, नहीं दे तो मुबाकरा क्या करे। इसके लिए आई अपील टू यू, टू द यूथ, टू द यंग जेनरेशन, आई अपील, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं, जो गलती आपका बाप दादा ने किया है वो गलती आप लोग मत करो। मुझे अपने बीच से दो तीन एक अच्छा लीडर दो, जो अपना रियांग अपना ब्रू को प्यार करता, मैं उनको चांस दूंगा, मैं उनको लीडर बनाऊंगा और उनके थ्रू आपको हेल्प करूंगा। मैं थक गया, इतना कोशिश करते करते भी मैं थक गया। और मैं समझ गया कि ना आप लोग अच्छा है, आप लोग ईमानदार है, यू आर सिंपल, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग सच्चा बोलते हैं, यू लव मी, आप लोग प्यार करते हो, डू यू लव मी, डू यू लव मी, यू नो आई लव यू सो मच एंड आई फील बैड, मुझे खराब लगता है कि इतना करने के बाद भी आप लोगों के पास कुछ नहीं आया। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, सोचो समझो और मुझे एटलीस्ट गिव मी 2-3 गुड यंग लीडर्स, जो अपना कम्युनिटी को पहले प्यार करे, पैसा नहीं, पार्टी नहीं, पहले अपना कम्युनिटी को, जाति को प्यार करे, देन हमारा ग्रुप कम्युनिटी। मेरे पार्टी में भी 2-3 लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं,